स्वागत है बच्चों, मैं अनुरुद्ध सिंह, प्रवक्ता जीव विज्ञान, आदर्श बजरंग इंटर कॉलेज बांदा, कक्षा 11, विषय जीव विज्ञान, इकाई 1, जीव जगत में विविधता, अध्याय 4, प्राणी जगत के अंतर्गत प्रकरण प्राणी जगत का सामान्य परिचय, प्राणियों के वर्गीकरण का आधार, भाग 1/3 का अध्ययन हम लोग करेंगे। आज के अध्ययन बिंदु प्राणी जगत का सामान्य परिचय, प्राणियों के वर्गीकरण का आधार, मौलिक लक्षण के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण। बच्चों, पिछले अध्याय में हम जीव जगत का वर्गीकरण जो आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित है उसका अध्ययन किया। उसमें हमने अध्ययन किया कि कोशिका के प्रकार, कोशिका भित्ति, केंद्रक की उपस्थित, काय संरचना, पोषण की विधि तथा प्रजनन की विधियों के आधार पर आर.एच. व्हिटेकर ने जीव जगत को 5 जगतों में विभेदित किया। बच्चों, जीव जगत को किस वैज्ञानिक ने 5 जगतों में बांटा है? आर.एच. व्हिटेकर। प्राणी जगत के ऐसे 2 जंतुओं के नाम बताओ जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, मछली, काकरोच। बच्चों, क्या आप प्राणी जगत का सामान्य परिचय और उसके वर्गीकरण के बारे में जानते हैं? आज हम प्राणी जगत का सामान्य परिचय और उसी के अगले क्रम में प्राणी जगत का वर्गीकरण का आधार का अध्ययन करेंगे। प्रथम शिक्षण बिंदु अर्थात प्राणी जगत का सामान्य परिचय हम देखते हैं। बच्चों, जब आपने अपने चारों ओर देखा है, देखते हैं, तो आप प्राणियों को विभिन्न संरचना एवं स्वरूपों में पाते हैं। अर्थात जो प्राणी हैं वो अलग अलग रूप में और अलग अलग बनावट के दिखाई देते हैं। अब तक लगभग 1,000,000 से अधिक प्राणियों का वर्णन किया जा चुका है वैज्ञानिकों द्वारा, और इसलिए वर्गीकरण का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। वर्गीकरण से हमें जो नई खोजी गई प्रजातियां हैं उनको उचित स्थान में रखने के लिए सहायता मिलती है। बच्चों, यहां पर स्लाइड में देख रहे हैं आप कि विभिन्न वर्ग संघ के प्राणियों के चित्र बने हुए हैं, जैसे हाथी, तोता, तितली, शेर, कंगारू, घड़ियाल, आर्थ्रोपोड संघ का सदस्य, एम्फीबिया वर्ग का मेंढक, कुछ कुकुम्बर जैसी संरचना, जिराफ और ह्वेल मछली। तो वर्गीकरण किस लिए आवश्यक है? हाँ, वर्गीकरण नई खोजी गई जो प्रजातियां हैं उनको उचित स्थान में रखने के लिए सहायता प्रदान करते हैं। बच्चों, प्राणियों के वर्गीकरण के आधार के बारे में आप क्या जानते हैं? अब हम अगले शिक्षण बिंदु में प्राणियों के वर्गीकरण का आधार किस तरह से किया गया है या उसके आधार क्या हैं उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों, प्राणियों की संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनकी कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की जो प्रकृति है तथा पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र एवं जनन तंत्र की बहुत सारी रचनाओं में कुछ आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन समानताओं तथा असमानताओं के आधार पर ही प्राणियों का वर्गीकरण किया जाता है। बच्चों, जो विशेषताएं हैं वही वर्गीकरण के आधार के रूप में प्रयुक्त की जाती हैं और
जो वर्गीकरण के प्रमुख आधार है वो निम्नवत है, जैसे प्रथम संगठन के स्तर अर्थात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा शारीरिक सममिति अर्थात बॉडी सिमेट्री, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिकी संगठन इंग्लिश में डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, तथा प्रगुहा या सिलोम, खंडी भवन अर्थात सेगमेंटेशन, तथा पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण। तो बच्चों, प्राणियों के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? हाँ, संगठन का स्तर, शारीरिक सममिति, द्विकोरिक अथवा त्रिकोरिक संगठन, प्रगुहा, खंडी भवन और पृष्ठरज्जु। बच्चों, आप संगठन के स्तर के बारे में क्या जानते हैं? हाँ, जितने भी प्राणी जगत के प्राणी हैं, सभी सदस्य बहुकोशिकीय हैं, लेकिन उनमें एक ही प्रकार का कोशिकीय संगठन नहीं होता है। बच्चों, संगठन के अलग अलग स्तर हैं, जैसे कोशिका स्तर जो कि सबसे निम्न स्तर का संगठन है और स्पंजों में पाया जाता है। इसी के अगले क्रम में ऊतक स्तर का संगठन जो सिलेंट्रेट संघ के जंतुओं में पाया जाता है। इसके उपरांत अंग अंग तंत्र स्तर का संगठन होता है। प्यारे बच्चों, अंग तंत्र से ही शरीर का निर्माण होता है, अर्थात अंग तंत्र मिल करके एक शरीर की रचना करते हैं। उच्च वर्ग के सदस्यों जैसे एनेलिड, आर्थोपोड, मोलस्क, इकाइनोडर्म तथा रज्जुकी प्राणियों के शरीर में जो अंग होते हैं वो अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं, और प्रत्येक तंत्र एक विशिष्ट कार्य करता है। इस संगठन को अंग तंत्र स्तर का संगठन कहते हैं। विभिन्न प्राणियों में अंग तंत्र की विभिन्न प्रकार की जटिलताएं होती हैं, जैसे पाचन तंत्र का अगर हम देखें आधार, यानी संगठन के स्तर में अगर हम पाचन तंत्र देखें तो पाचन तंत्र दो प्रकार का होता है, अपूर्ण पाचन तंत्र तथा पूर्ण पाचन तंत्र। अपूर्ण पाचन तंत्र एक ऐसा तंत्र है जिसमें गुदा व मुख एक ही द्वार पर स्थित होते हैं, और इसके उदाहरण प्लेटी हेलमेंथी संघ के जंतु होते हैं। बच्चों, पूर्ण पाचन तंत्र जिसमें गुदा व मुख अलग अलग स्थित होते हैं जैसे मनुष्य, इसी प्रकार से परिसंचरण तंत्र या तो खुला प्रकार का होगा या बंद प्रकार का होगा। खुला प्रकार का परिसंचरण तंत्र जैसे आर्थोपोड संघ के सदस्यों में, और बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र जैसे मनुष्य, मछली आदि में। तो प्यारे बच्चों, संगठन के स्तर पर जो जीवों का विकास क्रम है उसमें कोशिका स्तर जैसे स्पंज, ऊतक स्तर जैसे सिलेंट्रेट, अंग एवं अंग तंत्र स्तर जैसे एनेलिड से रज्जु की प्राणियों तक। बच्चों, अपूर्ण पाचन तंत्र किस संघ के प्राणियों में होता है? प्लेटी हेलमेंथीज। बच्चों, क्या आप शारीरिक सममित के बारे में कुछ जानते हैं? तो हम अगले शिक्षण बिंदु में शारीरिक सममित का अध्ययन करते हैं। प्राणी को सममित के आधार पर भी श्रेणीबद्ध किया जा सकता है, अर्थात जो प्राणियों का वर्गीकरण है वो शरीर की सममित के आधार पर भी किया जा सकता है, और यह सममित तीन प्रकार की होती है, अर्थात सममित के आधार पर प्राणी तीन प्रकार के हो सकते हैं। असममितीय प्राणी जिनमें सममिति नहीं होगी, अरीय सममिति वाले प्राणी जिनमें अरीय सममिति उपस्थित होगी, और द्विपार्श्व सममिति वाले प्राणी जिनमें द्विपार्श्व सममिति स्थित होगी। अब असममिति क्या है? यदि किसी भी प्राणी को उसके केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा उस प्राणी को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर पाती है तो उसे
या उस प्राणी को असममितीय प्राणी कहते हैं और यह कहेंगे कि इस प्राणी में कोई सममिति नहीं है। उदाहरण के लिए स्पंज, बच्चों यहाँ पर एक स्पंज का चित्र बना हुआ है। अगर हम इसको बराबर भागों में किसी भी प्लेन से बांटने की कोशिश करें तो हम इसे दो बराबर भागों में नहीं बांट सकते हैं, अर्थात इसमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं है। दूसरा, अरीय सममित, जब किसी प्राणी को केंद्रीय अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा दो बराबर भागों में बांटा जा सके तो ऐसे प्राणी अरीय सममिति वाले प्राणी कहलाते हैं और यह सममिति अरीय सममिति कहलाती है। जैसे यहाँ पर चित्र बना हुआ है, आप देखिए स्टार फिश या समुद्री मछली जिसमें रेडियल सिमेट्री उपस्थित है। बच्चों इसी क्रम में जो द्विपार्श्व सममिति है, अर्थात यदि एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा द्वारा जीव का शरीर दो समरूप बाएं तथा दाएं भागों में बांटा जा सके तो इसे द्विपार्श्व सममिति कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एनेलिड, आर्थ्रोपोड, मनुष्य आदि। बच्चों यहाँ पर क्रैब का चित्र बना हुआ है, देखिए इसको एक ही अक्ष से गुजरने वाली रेखा दो समरूप दाएं एवं बाएं भागों में बांट रही है। इसी प्रकार से मनुष्य में एक सीधी लाइन अर्थात एक अक्ष से गुजरने वाली रेखा शरीर को दाएं एवं बाएं दो समरूप भागों में बांट रही है। तो बच्चों शारीरिक सममिति के आधार पर प्राणी कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के, असममितीय प्राणी, अरीय सममिति वाले प्राणी और द्विपार्श्व सममिति वाले प्राणी। बच्चों कोरक क्या है? कोरक के संगठन के आधार पर आप जीवों का या प्राणियों का वर्गीकरण कैसे करेंगे? तो हम अगले शिक्षण बिंदु में कोरक के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण देखते हैं। बच्चों कोरक के आधार पर प्राणी या तो द्विकोरिक होंगे या त्रिकोरिकी संगठन के होंगे, यानी या तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। बच्चों कोरक अर्थात ब्लास्टोमियर से जो डेवलपमेंट शुरू होता है वह स्तरों का निर्माण करता है, जैसे इक्टोडर्म और इंडोडर्म तथा मीजोडर्म। बच्चों कोरक के आधार पर प्राणियों को दो भागों में बांटा गया है, द्विकोरिक प्राणी अर्थात जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों अर्थात इक्टोडर्म तथा एंडोडर्म से विकसित होते हैं ऐसे प्राणियों को द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। जैसे उदाहरण कोरिफेरा एवं सीलेंट्रेटा संघ के जंतु। दूसरे त्रिकोरिकी संगठन, ऐसे प्राणी जिनमें एक्टोडर्म एंडोडर्म के अतिरिक्त एक तृतीय स्तर मीजोडर्म उपस्थित होता है ऐसे प्राणियों को त्रिकोरिक संगठन के प्राणी कहते हैं। जैसे प्लेटी हेलमेंथीज, एनेलिड, आर्थ्रोपोड से लेकर के कार्डेट तक के सदस्य। बच्चों यहाँ पर चित्र में आप स्पष्ट देख सकते हैं कि चित्र ए में केवल दो संगठन यानी स्तर जो है दिखाई दे रहे हैं। स्तर केवल दो हैं, एक इक्टोडर्म स्तर और दूसरा इंडोडर्म स्तर। यहाँ पर मीजोग्लिया बीच में दिखाई दे रही है जो कि लाल रंग की पट्टी के रूप में है और यह कोई स्तर नहीं है। बच्चों चित्र बी में यहाँ पर तीन स्तर दिखाई दे रहे हैं, एक्टोडर्म, अंदर इंडोडर्म और मेजोडर्म। स्पष्ट रूप से आप देख लीजिए, बाहरी तरफ एक्टोडर्म, भीतर की तरफ सबसे इंडोडर्म और बीच में लाल रंग की पट्टी मेजोडर्म की। तो बच्चों आप कोरक के आधार पर प्राणियों को कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं? हाँ, द्विकोरिकी प्राणी तथा त्रिकोरिकी प्राणी। सिलोम क्या है? हाँ,
शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा की अनुपस्थित अथवा उपस्थित वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार बनाती है। अर्थात प्राणियों का वर्गीकरण जो शरीर भित्ति तथा आहार नाल के बीच में गुहा है उसके आधार पर भी किया जा सकता है। प्रगुहा के आधार पर प्राणियों को तीन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, प्रगुहीय प्राणी, कूटगुहीय प्राणी तथा आगुहीय प्राणी। जो प्रगुहीय प्राणी है उनमें मीजोडर्म अर्थात मध्य त्वचा से आच्छादित देह गुहा उपस्थित होती है। अर्थात जो देह गुहा है, बॉडी कैविटी है, उसके ऊपर एक लेयर पाई जाती है, एक परत पाई जाती है जो मीजोडर्म से बनी होती है। कूटगुहीय प्राणी ऐसे प्राणी जिनमें गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती, बल्कि जो मीजोडर्म या मध्य त्वचा है वह बाह्य त्वचा तथा अंतः त्वचा के बीच बिखरी होती है। आगुहीय प्राणी ऐसे प्राणी जिनमें शरीर गुहा नहीं होती। बच्चों उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो प्रगुहीय प्राणी है उसके उदाहरण एनेलिड, मोलस्क, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म, हेमिकार्डेट तथा कार्डेट संघ के प्राणी होते हैं। इसी क्रम में कूटगुहीय प्राणी के उदाहरण स्केलेमेंथिस संघ के सदस्य है, आगुहीय प्राणियों के उदाहरण प्लेटी हेलमेंथिस संघ के सदस्य हैं। बच्चों यहाँ पर चित्र आप देखिए, जो प्रगुहीय प्राणी है अर्थात जिनमें गुहा है और गुहा किससे आच्छादित है, मीजोडर्म से, तो यहाँ पर गुहा मीजोडर्म से आच्छादित दिखाई दे रही है। दूसरे कूटगुहीय प्राणी में कहीं पर भी मीजोडर्म गुहा को आच्छादित नहीं कर रही, बल्कि मध्य त्वचा या मीजोडर्म छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पड़ी हुई है। और अगुहीय प्राणियों में किसी भी प्रकार की शरीर गुहा उपस्थित नहीं है। तो प्यारे बच्चों प्रगुहा के आधार पर हम प्राणियों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? हाँ, प्रगुहीय प्राणी, कूटगुहीय प्राणी तथा अगुहीय प्राणी। बच्चों खंडी भवन से क्या तात्पर्य है? हाँ, तो अब हम खंडी भवन के बारे में जानते हैं। कुछ प्राणियों के शरीर में बाहरी तथा आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंड उपस्थित होते हैं। अर्थात प्राणी का शरीर बाहरी तथा आंतरिक दोनों ओर से श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित रहता है, जिनमें कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, उस क्रिया को खंडी भवन कहते हैं। उदाहरण केंचुए के शरीर में विखंडी खंडी भवन होता है। यहाँ पर स्लाइड में केंचुए का चित्र बना हुआ है और स्पष्ट रूप से इसमें आप सेगमेंट देख सकते हैं कि किस प्रकार से खंड बने हुए हैं। इसी क्रम में बच्चों पृष्ठरज्जु क्या है? हाँ, पृष्ठरज्जु सलाका रूपी या नोटोकार्ड जो है वह मध्य त्वचा अर्थात मीजोडर्म से उत्पन्न होने वाली एक संरचना है जो भ्रूणीय परिवर्धन विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। बच्चों पृष्ठरज्जु के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण कर सकते हैं और वह दो प्रकार के हैं, पृष्ठरज्जु की प्राणी जिनको कार्डेट कहते हैं और अरज्जु की प्राणी जिन्हें नॉन कार्डेट कहते हैं। कार्डेट अर्थात पृष्ठरज्जु की के उदाहरण जैसे मत्स्य यहाँ पर बनी हुई है, उभयचर तथा पक्षी, सरीसृप एवं स्तनी प्राणी। बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि इन सभी के चित्र बने हुए हैं जो पृष्ठरज्जु की प्राणी है। दूसरे अरुज्जु की प्राणी जिसके अंतर्गत पोरिफेरा, सीलेंट्रेटा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा आदि के सदस्य आते हैं और उनके चित्र ये यहाँ पर स्लाइड में बने हुए हैं। जैसे एनेलिडा संघ के सदस्य नेरिस, लीच और अर्थवर्म के चित्र बने हैं, इनमें नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु अनुपस्थित होती है। बच्चों यहाँ पर रज्जु की या कार्डेट प्राणियों में
नोटोकार्ड की स्थिति दिखाई गई है, जो काले रंग की पट्टी सर से लेकर पूंछ तक फैली हुई है, यह नोटोकार्ड या पृष्ठ रज्जु है। बच्चों, किन्हीं तीन ऐसे संघों के नाम बताओ जिनमें रज्जुक या नोटोकार्ड अनुपस्थित होती है। हाँ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनेलिडा। बच्चों, अब हम मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण देखते हैं। बच्चों, जो प्राणी जगत है, हमें मालूम है कि प्राणी जगत अर्थात एनिमलिया के अंतर्गत आने वाले सभी प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं और ये बहुकोशिकीय प्राणी अलग अलग स्तर या अलग अलग विभाजन के आधार पर उनको वर्गीकृत किया गया है। जैसे संगठन के स्तर पर प्राणी जगत का वर्गीकरण करें तो वो कोशिकीय स्तर, ऊतक एवं अंग या अंग तंत्र स्तर प्रकार का है। कोशिकीय स्तर में संघ पोरीफेरा के सदस्य आते हैं और ऊतक एवं अंग या अंग तंत्र स्तर को सममिति के आधार पर पुनः दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे अरीय सममिति एवं द्विपार्श्व सममिति। अरीय सममिति में नाइडेरिया अर्थात सिलेंट्रेटा संघ तथा टीनोफोरा संघ के प्राणी आते हैं तथा द्विपार्श्व सममिति बाइलैटरल सिमेट्री, उसको प्रगुहा की उपस्थित या अनुपस्थित के आधार पर तीन भागों में विभाजित किया गया है, जैसा कि बिना गुहा के अर्थात अगुही, जिसके अंतर्गत संघ एसके हेलमेंथी जाता है, सॉरी प्लेटी हेलमेंथी जाता है, तथा कूट गुही अर्थात जिनमें स्यूडोसिलोम होती है, ऐसे प्राणी एसके हेलमेंथीज के अंतर्गत आते हैं, तथा सत्य गुहा युक्त अर्थात गुहीय प्राणी जो एनेलिड, आर्थोपोड, मोलस, इकाइनोडर्म, हेमिकार्डेटा अर्थात अर्ध रज्जुकी तथा कार्डेटा अर्थात रज्जुकी के प्राणी आते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो इकाइनोडर्म संघ के प्राणी हैं, उनके जीवन चक्र की अवस्था में उनकी अवस्था के अनुसार अर्थात लार्वा अवस्था है या उसकी विकसित अवस्था है यानी प्रौढ़ या वयस्क अवस्था है, के आधार पर दो प्रकार की सममिति होती है, अरीय या द्विपार्श्व सममिति। यानी एक ही प्राणी के लार्वा की अवस्था में अलग सममिति है और वयस्क में अलग सममिति है। मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का जो विस्तृत वर्गीकरण है उसमें हम देख रहे हैं कि मौलिक लक्षण कौन कौन से हैं। पहले तो प्राणी जगत अर्थात एनिमलिया जगत के सभी प्राणी कैसे हैं, बहुकोशिकीय है, तथा जो प्राणी जगत के वर्गीकरण के आधार हैं वो कौन कौन से हैं। संगठन का स्तर अर्थात लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सममित अर्थात सिमेट्री, प्रगुहा अर्थात सिलोम, ये प्रमुख बिंदु हैं। अब सममित के आधार पर, संगठन के आधार पर, प्रगुहा के आधार पर पुनः प्राणियों का वर्गीकरण किया गया, जैसे संगठन के स्तर के आधार पर कोशिकीय स्तर, ऊतक, अंग एवं अंग तंत्र स्तर। प्रगुहा या सममित के आधार पर पहले देखते हैं अरीय सममिति तथा द्विपार्श्व सममिति। प्रगुहा के आधार पर वर्गीकरण में अगुही, कूट गुही तथा सत्य गुही प्राणी, और इस पूरे वर्गीकरण में ध्यान देने योग्य बात है कि इस पूरे एनिमलिया के अंतर्गत आने वाले सभी संघ, चाहे वह पोरीफेरा हो, नाइडेरिया अर्थात सिलेंट्रेटा हो, टीनोफोरा हो, प्लेटी हेलमेंथीज हो, एनेलिड हो, आर्थोपोड हो, मोलस्क हो, इकाइनोडर्म हो, हेमिकार्डेटा हो, कार्डेटा हो, सभी के सभी बहुकोशिकीय प्राणी हैं और सभी एनिमलिया अर्थात प्राणी जगत के अंतर्गत
आते हैं। तो बच्चों प्रगुहा के आधार पर हम प्राणियों को कितने भागों में बांट सकते हैं? हाँ, अगुही, कूटगुही एवं गुही। बच्चों सत्य गुहा युक्त प्राणियों के किन्हीं चार संघों के नाम बताइए। हाँ, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कार्डेटा। बच्चों आज हमने अध्ययन में सीखा कि प्राणी जगत का सामान्य परिचय क्या है, प्राणियों के वर्गीकरण के कौन कौन से आधार हैं, मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्णन, इन बिंदुओं का अध्ययन हमने किया। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, प्राणियों के वर्गीकरण के आधार पर या प्राणियों के वर्गीकरण के आधार का संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रश्न दो, किन जंतुओं में कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाता है? अगला प्रश्न, द्विकोरिक तथा त्रिकोरिक में विभेद कीजिए। प्रश्न नंबर चार, देह गुहा की उपस्थित तथा अनुपस्थित के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, इसको उदाहरण सहित समझाइए। प्रश्न पांच, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। खंडी भवन किसे कहते हैं? खुला परिसंचरण तंत्र क्या है? बच्चों आज हमने विषय जीव विज्ञान की इकाई एक जीव जगत में विविधता के तहत अध्याय चार प्राणी जगत के अंतर्गत प्राणी जगत का सामान्य परिचय, वर्गीकरण का आधार तथा मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण भाग 1/3 का अध्ययन किया। अगले क्लास में हम इसी अध्याय 3 के अगले प्रकरण प्राणियों का वर्गीकरण, जिसमें संघ पोरी फेरा, संघ सीलेंट्रेटा अर्थात नाइडेरिया, संघ टीनोफोरा, संघ प्लेटी हेलमेंथीज, संघ एनेलिडा, संघ मोलस्का तथा इकाइनोडर्मेटा संघ का भाग 2/3 का अध्ययन करेंगे। आप लोग अपने आसपास पाए जाने वाले 5 कशेरुकी अर्थात कार्डेट जंतुओं तथा 5 अकशेरुकी अर्थात नॉन कार्डेट जंतुओं को ध्यानपूर्वक देखकर और इनके बारे में अध्ययन करके आएंगे। धन्यवाद।